हेलो भाइयों, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फॉर्चुनर की। भाई ये बस एक गाड़ी नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल भी है। जिसके पास भी 35 से 40 लाख रुपये होते हैं उसकी पहली पसंद रहती है टोयोटा फॉर्चुनर। ये कॉम्पिटिट करती है इसकी लेवल की एमजी ग्लोस्टर से, फोर्ड एंडेवर से, एल्ट्रस G4 से, जो महिंद्रा ने अब बनानी बंद कर दिया तो उसका तो हम नाम नहीं लेते। चलो इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है, बट भाई फिर भी ये गाड़ी बहुत बिकती है। ये 7 कलर में आती है, एटीट्यूड ब्लैक और वाइट कलर में ज़्यादा बिकती है, आपने देखी होगी। तो इस गाड़ी का जो वेट है भाई वो 2600 किलो है टू व्हील ड्राइव में, और फोर व्हील ड्राइव अगर लोगे तो 2735 किलो हो जाएगा। तो भाई ऐसी कुछ इसकी लाइट्स आती हैं बाई बीम की, बाई बीम LED की। आप बैजिंग देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये एक सिंगल LED है जो हाई बीम लो बीम दोनों एक ही से जलती है, और ये बहुत तेज़ रहती है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़। 5 यहाँ पे आपको LED DRL मिल जाएंगे छोटे छोटे। वही नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा जो कि LED है क्रोम ग्रिल के साथ। भाई गाड़ी पे आगे क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ करा हुआ है तो आप देख लोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम दिखेगा। जो बंदा क्रोम का बहुत शौकीन है वो उसको चल जाएगी ये कार। टोयोटा का यहाँ पे लोगो दिख जाएगा बहुत बड़ा सा आपको। नीचे आ जाती है नंबर प्लेट, उसके ऊपर ग्रिल है। ये गाड़ी भाई 2017 रजिस्टर है। ये भाई डीजल वेरियंट है। तो टायर साइज़ की बात करें तो ये आ जाता है हमारा 265 R17। तो भाई ये टू व्हील ड्राइव है तो इसमें 17 इंच के टायर आते हैं। अगर वहीं आप फोर व्हील ड्राइव लोगे तो इसमें 18 इंच के टायर आते हैं। डायमंड कट अलॉयज हैं। साइड मिरर की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर मिल जाता है इंडिकेटर के साथ जो कि LED है। इसके नीचे आपको पडल लैम्प भी मिल जाता है, और इसको आप फॉलो मी लैम्प, पडल लैम्प कह सकते हो। जब आप रात को कहीं उतरो तो आपको दिख जाएगा। डोर हैंडल की बात करें तो वो क्रोम है, और क्रोम पे आपको बटन भी मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। इसी से आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चाबी आपकी जेब में होगी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ। बैक साइड में आए तो आपको विंडो ग्रिल मिल जाती है जो कि पूरी क्रोम में आती है, क्रोम सेट के साथ आती है। रियर में आप बात करें तो यहाँ पे R की बैजिंग है, और ये टर्बो चार्ज इंजन है। यहाँ पे आप टर्बो की बैजिंग देख सकते हैं। पीछे बात करें तो भाई पीछे से गाड़ी बहुत मस्कुलर लगती है, देखो आप। और यहीं अगर हम इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें एक फ़ीचर है, आप इसके बूट को इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक कर सकते हो। तो ये हो गया, की को आपको दबा के रखना बूट अपने आप खुल जाएगा। ऐसा कुछ आपको भाई बूट स्पेस मिलता है, थोड़ा सामान रखा हुआ है तो माइंड मत करना। सीट को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, सीटें हमारी फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड होने के बाद डिग्गी का जो बूट स्पेस रहता है, मतलब बूट स्पेस जो रहेगा वो 700 लीटर हो जाता है, और जब ये सीट अनफोल्ड रहती हैं तो इनका वो 700 लीटर वो 300 लीटर का रहता है। यहाँ पे भी आपको बटन मिल जाता है जिससे आप बंद भी कर सकते हो इसको। थोड़ी स्लो है पर फिर भी भाई चल जाता है काम। भाई साइड से काफ़ी लंबी कार है, इसकी जो लेंथ है वो 4795 mm है। भाई इस कार में पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। टर्न रेडियस है गाड़ी का 5.8 मीटर। 80 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ब्रेक इसमें फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाते हैं, चढ़ने के लिए आपको फुट ये मिल जाता है। बहुत लंबी कार है, ऊंची कार है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ इसका फ्यूल टैंक का ओपनिंग का मिलता है। सेफ्टी वाइज भी कार बहुत अच्छी है। इसमें आपको 2 कलर का इंटीरियर मिल जाता है। चलो इंटीरियर दिखाते हैं आपको गाड़ी का। तो भाई आ गए हम फॉर्चुनर के इंटीरियर में। तो देख लो भाई ऐसा कुछ इंटीरियर है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक देखो ज़रा कितनी मस्त एनिमेशन बनी आती है फॉर्चुनर की। भाई
भाई बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत रिफाइंड, 2700 cc का इंजन है और बहुत रिफाइंड है। आप देख सकते हो इसमें एसी इसका भाई बहुत अच्छा है। फैन स्पीड कम कर लेते हैं थोड़ी, फैन स्पीड होगी कम। तो भाई ऐसी कुछ इसका टैकोमीटर मिलता है जिसमें लेफ्ट साइड पे आरपीएम मीटर और राइट साइड पे अपना स्पीडोमीटर है जिसमें 200 तक की मार्किंग है। बीच में आपको एक बड़ी सी MID मिल जाती है जिसपे पार्किंग के और बहुत सारे फीचर आ जाते हैं जो कि चेंज भी हो जाता है यहाँ से इस पे। तो होल्ड रीसेट, हम इसकी लाइट डिम वगैरह कर सकते हैं। ये डिम हो गई, ये फुल हो गई, तो इसको फुली रहने देते हैं। और हम इसको इधर अगर आए तो इधर एसी वेंट मिलता है, इधर एसी वेंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऐसे कुछ यहाँ फीचर मिल जाते हैं आपको। पावर डोर ऑफ, बूट खोलने का, पार्क असिस्ट, पेट्रोल और डिग्गी मतलब अपना बोनट खोलने का। स्टीयरिंग पे भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर स्टीरियो से रिलेटेड मिल गए, पावर ऑफ ऑन होल्ड वॉइस कंट्रोल सब कुछ, कॉल उठाने का काटने का इधर भी मिल जाते हैं। वहीं इधर बात कर लें तो भाई इधर आपको मिल जाते हैं लाइट से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड ऑटो पे है, इसको आप मैनुअल भी कर सकते हो। ज़्यादातर फॉर्चुनर के लोग भाई इसको दिन में भी जला के ही चलते हैं क्योंकि इसकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर आपको मिल जाते हैं भाई वाइपर के कंट्रोल। वहीं गाड़ी में भाई आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं जो चलाने में बहुत अच्छी फील देते हैं, एक हाईवे पे इनको चलाने का भाई अलग ही मज़ा है। इस तरफ आ जाते हैं तो भाई इधर हमें मिल जाता है गाड़ी का स्टीरियो। गाड़ी में भाई 6 स्पीकर, DVD, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, नेविगेशन सब कुछ है। यहाँ आपको नीचे की तरफ आओगे तो थोड़ा ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, वहीं उसके नीचे आपको एक चार्जर सॉकेट मिल जाएगा, USB, ऑक्स का यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे कप होल्डर है स्टोरेज के साथ जिसमें थोड़ा कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप इसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड वाला, इसमें मैनुअल भी आता है 6 स्पीड। इधर आपको मिल जाएंगे इको और पावर मोड, इधर आपको भाई मिल जाएगा अपना ये सामान रखने के लिए हैंड रेस्ट। और भाई इस तरफ बात करें तो भाई गाड़ी बहुत सही है दिखने में, बहुत सही। इधर आपको मिल जाता है कोल्ड ग्लव बॉक्स जहाँ पे AC की कूलिंग इधर से अंदर आती रहती है जिससे आपका सामान ठंडा ही रहेगा। नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे भी एक आपको मिल जाएगा। चलो भाई ऊपर आपको कुछ ऐसी लाइट मिलती है जिसको आप अगर एक जलाना चाहो एक भी जला सकते हो, दोनों को एक साथ भी जला सकते हो ऐसे, ठीक है। तो और इस साइड भाई दरवाजे पे आपको ट्विटर मिल जाएगा, उस साइड में मिल जाएगा 2 ट्विटर और 6 स्पीकर है भाई गाड़ी में। ऊपर की तरफ बात करें तो भाई यहाँ पे मिरर है लाइट के साथ, इस साइड भी मिरर है लाइट के साथ। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है अच्छे खासे स्पेस के साथ। भाई गाड़ी बहुत स्पेशियस है सच में भाई, ऐसा कुछ और मिल जाता है भाई कार का। तो भाई आ गए हम गाड़ी के बैक साइड पे, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सा एक डोर देखने को मिल जाता है जो बिल्कुल सिंपल सोवर है। तो भाई गाड़ी में पीछे भी बहुत अच्छा स्पेस है, मतलब ड्राइवर सीट अच्छी खासी पीछे हो रही है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पैर अच्छी तरह आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड बात करेंगे तो भाई यहाँ 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे आप 4 किलो तक का कुछ सामान टांग सकते हो, इस साइड भी सेम। और आपको कुछ ऐसी सीट्स मिलेंगी देखने के लिए जो कि भाई बहुत अच्छी है। AC वेंट्स आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाते हैं जिसको आप, जिससे आपका दिमाग ठंडा रहेगा। यहाँ पे AC के कंट्रोल मिल जाते हैं भाई, इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, ऑटो पे भी कर सकते हो जिसकी फैन स्पीड बहुत तेज है। लाइट बंद कर देते हैं तो भाई पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी है। इसकी थर्ड रो की भी अभी हम बात करेंगे, पहले भाई इसका आँख से देख लो तो ये गाड़ी भाई बहुत सही है लगने में। विंडोज़ की बात करें तो भाई ये ड्राइवर से लेके पीछे तक ऑटोमेटिक 1 टच डाउन है, ये देखो 1 टच अप है। गाड़ी बहुत रिफाइंड है भाई, गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। तो चलो अब हम पीछे से देखो तो भाई ये कुछ ऐसे दिखती है आगे से, देख लो एक बार। ऐसे कुछ इसका पीछे से मीटर मिलता है भाई, गाड़ी बहुत सही है भाग।
भाई थर्ड रो की बात करें, थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ से इसका लीवर खींचना पड़ेगा। तो भाई आ गए हम थर्ड रो में। थर्ड रो की सीट है, सेकंड रो की थोड़ी पीछे कर रखी है। तो भाई स्पेस है, इसको भी स्पेस तो है भाई, बैठ सकते हैं आराम से। लॉन्ग जर्नी भी भाई कर सकते हैं। जो कहते हैं फॉर्च्यूनर में स्पेस नहीं है, भाई है, बहुत स्पेस है। पीछे भी आपको मिरर मिल जाता है अच्छा खासा व्यू लेने के लिए, और यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं ऊपर की तरफ, जिससे फिर से आपका दिमाग ठंडा रहेगा जो लोग पीछे बैठेंगे। यहाँ पे आपको सॉकेट नहीं मिलता, चार्ज नहीं है, पीछे है सॉकेट है। तो चलो भाई चलते हैं आगे। इसकी जो विंडो है भाई, वो टिंट मिल जाती है जिससे हीट कम से कम अंदर आती है। पार्क असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और बैक मॉनिटर, सेकेंड रो 60-40 स्प्लिट, पावर एडजस्ट ड्राइवर और पैसेंजर सीट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसका स्टीयरिंग आ जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसका भाई स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसको आप इधर उधर कहीं भी कर सकते हो। इसके जो मिसिंग फीचर हैं वो वेंटिलेटेड सीट और सनरूफ। जो वेंटिलेटेड सीट तो भाई क्रेटा में भी आ जाती है, जो 20 लाख की, इसके आधी कीमत की। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी नहीं आता, और इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, डीजल इंजन मिलता है 2755 सीसी का, 4 सिलेंडर इंजन है, और जो निकालता है पावर 177 PS और 450 Nm का टॉर्क। अभी गाड़ी स्टार्ट है भाई, जैसा आप देख रहे हो तो अंदर आवाज़ बहुत कम से कम आती है। थोड़ा एक्सलेट करें इसको, तो भाई इसमें आवाज़ है, मतलब पावरफुल इंजन है। आप चलाओगे तो लगेगा कि भाई बहुत पावरफुल है। ये है इसका 2700 सीसी का डीजल इंजन, जो 2.8 लीटर का भी कह सकते हो इसको। पावर इसकी 177 PS है और 450 Nm का टॉर्क निकाल के देता है आपको। यहाँ पे टोयोटा का वो मिल जाता है, यहाँ पे वो दे रखा है जिससे आवाज़ कम जाए अंदर। सेफ्टी फीचर भाई इसमें, व्हीकल स्टेबिलिटी विद ब्रेक कंट्रोल असिस्ट, डाउन हिल असिस्ट आता है 4 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में। फ्रंट सीट जो आएंगी WIR कॉन्सेप्ट की आएंगी, ABS, स्पीड ऑटो लॉक, एमरजेंसी अनलॉक के साथ एमरजेंसी ब्रेक सिग्नल भी है इसमें। तो भाई ये हमारा रिव्यू अभी कंप्लीट होता है, तो आप ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको फॉर्चुनर कैसी लगती है, क्या आप लेना चाहते हो। भाई मैं तो कहूँगा ले लो, आंख बंद करके ले लो भाई, जिस पे भी पैसे हैं 35 से 40 लाख, भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है। तो भाई ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।